Hello viewers, once again welcome to the mathematics class for class 10th. Since we are dealing with the quadratic equations and solving the quadratic equations by quadratic formula, and we are solving some questions from exercise number 4.4, and today we will try to solve question number 3. The question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Ek word problem hai. Question puchta hai ki kya hum ek rectangular mango grove bana sakte hain जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस हो, डबल हो, और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. अगर बना सकते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दीजिएगा. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज एक्स मीटर्स. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव विल बी 2x. क्योंकि अगर हम ब्रेड्थ को x रखेंगे तो लेंथ इसकी डबल है, ट्वाइस है, तो 2x बनेगी. नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर. जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का एरिया 800 मीटर स्क्वायर है. सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर आना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर. अब चूंकि लेंथ हमारा इस मैंगो ग्रू का 2x है और ब्रेड्थ x है, इसलिए लेंथ 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ x किसके बराबर आना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर. 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. 2 कोफिशेंट है, इसको यहाँ लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा. 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. अब 400 जो है ये 20 का स्क्वायर है, प्लस 20 एंड माइनस 20 का स्क्वायर है. प्लस 20 का स्क्वायर ले लेंगे वो भी 400 आ जाएगा, अगर माइनस 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो भी 400 आ जाएगा. तो इस तरह से एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे इक्वल टू प्लस माइनस 20 स्क्वायर. अगर दोनों साइड से हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस 20 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 20. तो इस तरह से एक्स के दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक प्लस 20 और दूसरा माइनस 20. अब चूंकि हम देखेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमने यहाँ रखा था ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रूव इक्वल टू एक्स. अब चूंकि ये ब्रेड्थ है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू जो माइनस 20 है इसको हम इग्नोर करेंगे. विल राइट सिंस एक्स इज द ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रूव इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 इज इग्नोर्ड. इसको हम इग्नोर करते हैं. फिर हमारे पास क्या बचता है, एक्स इज इक्वल टू 20. तो इस एक्स इक्वल 20 को यूज़ करके हम लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालेंगे. हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वो किसके बराबर था, 2x. अब x हमने क्या लिया, 20. सो 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर्स. इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वो हमने रखा था पहले ही x के बराबर, अब x हमने क्या लिया, 20. तो इस तरह से एक्स जो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की वो 20 है और लेंथ जो है वो 40 मीटर्स है. तो हमने देखा कि हम ऐसा एक मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जो रेक्टेंगुलर हो और जिसका लेंथ 40 है मीटर्स होगा और ब्रेड्थ 20 मीटर्स होगा. हम देखते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ की डबल है, ब्रेड्थ 20 है, लेंथ उसका डबल है, दैट इज 40 मीटर्स. और एरिया कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 800 मीटर स्क्वायर. यहाँ देखते हैं
चेक करते हैं, लेंथ इज 40 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स, एरिया विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स इंटू 20 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, है ना, इट इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वी कैन हैव ए मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन भी आप कोशिश कर दीजिए करने की, और जहाँ भी आपको कोई मुश्किल पेश आ जाए, कहीं हेल्प की ज़रूरत हो, मुझसे रब्ता कीजिए। तब तक के लिए घर में रहिए, महफूज रहिए, और पढ़ाई लिखाई का काम जारी रखिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।